मुखर्जी को 5 दशकों की भारतीय राजनीति का जीता जागता दस्तावेज कहा जाता है। सियासी गलियारों में लोग इन्हें बड़े अदब के साथ दादा कहते हैं। कुछ लोग इनको प्रणब बाबू कहकर भी बुलाते हैं। तो एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा, राजनीति में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है कि आपको सबको अपनी पार्टी में और अक्रॉस पार्टी लाइन्स यू हैव टू बी एबल टू गेट ऑन विद पीपल। एंड प्रणब बाबू में ये बहुत एक क्वालिटी है कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, वो सबके साथ काम कर सकते हैं। मैं गांव से आता हूं, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गांव है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मेरा गांव में आइए। 5 या 6 years आई ट्रेवल्स 5 kilometers ऑन फूट इन द फील्ड टू गो टू द हाई स्कूल। डोंट टीच मी व्हाट इज ए विलेज। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के किरनाहर के पास 11 दिसंबर 1935 को प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास, राजनीति शास्त्र में एमए और कानून की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो एक कॉलेज के शिक्षक बन गए। एक शिक्षक की भूमिका से जब वो ऊब गए तो उन्होंने वकालत शुरू कर दी। प्रणब मुखर्जी ने कुछ समय तक अपनी किस्मत एक पत्रकार के तौर पर भी आजमाई। प्रणवदास 60 के दशक में कांग्रेस में शामिल हुए। 1969 में वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। राज्यसभा में प्रणब मुखर्जी पूरी तैयारी के साथ आया करते थे, जोरदार भाषण दिया करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके इन गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और 1973 में केंद्रीय औद्योगिक विकास विभाग में उप मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। नहीं देखिए, प्रणब बाबू का जो पॉलिटिक्स है, मैं कहता हूँ चाणक्य है। प्रणब बाबू स्ट्रैटेजिस्ट है। प्रणब बाबू का जो रोल है मास लीडर नहीं है, लेकिन प्रणब बाबू इंदिरा गांधी के समय से कितने फेडरल स्ट्रक्चर में कितने चीफ मिनिस्टर्स के पॉलिटिक्स देखे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स देखे हैं। एक बार मुझे प्रणब बाबू ने बताया था कि मेरे जीवन में ऐसे मैं देखता हूँ कि कभी मैं मिनिस्टर रहता हूँ और कभी नहीं रहता हूँ, जिंदगी ऐसे ही चलता रहता। ।1982 में प्रणब मुखर्जी पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1984 में यूरोनमी नाम की एक पत्रिका ने प्रणब मुखर्जी को दुनिया का सबसे अच्छा वित्त मंत्री घोषित किया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खासम खास हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब प्रणब दा का बढ़ा हुआ कद कांग्रेस के ही नेताओं को रास नहीं आया। तो एक दफा मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था, तो ऐसी गपशप में नहीं और भी लोग थे, कुछ कांग्रेस की बात शुरू हो गई 1940 में। तो उनको इतनी एक एक आदमी का नाम याद था, क्या हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ पे मीटिंग हुई, क्या किसी ने पुरुषोत्तम दास टंडन ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, और कुछ उनके दिमाग में था ये। तो किसी ने मुझे ये भी कहा था कि उनका दिमाग इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। हालात ऐसे बने कि प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस से बाहर भी होना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी भी बना ली, लेकिन 1989 में राजीव गांधी के मनाने पर प्रणब बाबू कांग्रेस में लौट आए। तो उस समय राजीव गांधी के डेथ के बाद भी अरुण नेहरू, माखनलाल फतेहदार के साथ प्रणब बाबू का बहुत विवाद हुआ था। तो बार बार प्रणब बाबू के साथ ये हुआ था और प्रणब बाबू एक ही बार पार्टी छोड़ के चले गए थे, और अभी वो कहते रहते हैं कि जिंदगी में एक ही गलती जो मैंने किया था वो पार्टी छोड़ के जाना। मास लीडर नहीं थे, लेकिन उसमें उम्र भी कम था। राजीव गांधी की मौत के बाद प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में थे, लेकिन समीकरण कुछ ऐसे बदले कि पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन बैठे। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में प्रणब मुखर्जी को देश के विदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। ।2004 की यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी को रक्षा मंत्री का जिम्मा मिला। 2009 जनवरी में प्रणब मुखर्जी देश के दूसरी बार वित्त मंत्री बने। लंदन की पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स ने
प्रणब मुखर्जी को 2010 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर शुमार किया। श्री प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक कार्य